बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपको बड़े आसान और मज़ेदार बिस्किट बनाना सिखाऊंगी, जो कि गंदम के आटे से तैयार होते हैं। जिस तरह के हमारे घर में आटा हर वक्त मौजूद होता है, जिसकी हम रोटियाँ बनाते हैं, और उसी आटे से हम ये बिस्किट तैयार करेंगे। और इसमें हमने कोई दूध, अंडा और पानी इस्तेमाल नहीं करना, ये हम आटे और घी के साथ बनाएंगे। इसके लिए मुझे 1.5 कप आटा चाहिए, और इसको अच्छे से छान के साफ़ करके एक बॉल में डाल लेंगे, और फिर इसमें 1 कप चीनी पीस के, मेरे पास मिक्सी है उसमें मैंने ये चीनी पीस ली है, क्योंकि पीसी हुई चीनी से बिस्किट बहुत अच्छे बनते हैं। इसमें साबुत चीनी नहीं इस्तेमाल करनी। अब इसमें हम अच्छे से इसको चम्मच के साथ दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मैं आपको बताऊँगी कि हम इसमें मज़ीद क्या डालेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक, वो भी आप डाल दीजिए, और फिर इसमें आपने 1 कप घी लेना है, ऑयल नहीं लेना, इसलिए कि ये बिस्किट हम घी से इसकी डो तैयार करेंगे और फिर हम इसको बिस्किट में तैयार करेंगे। अब देखें, 1 कप घी मैंने लिया है, और अगर घी कम ज़्यादा हो जाए तो हम और डाल सकते हैं। अब इस घी को मैं अच्छे से आटे में मिक्स करूंगी, ताकि इसकी डो अच्छे से बन जाए, और फिर हम इसके बिस्किट तैयार करेंगे। ये देखें, आपने भी इस घी को आटे में डाल के अच्छे से इसको तैयार करना है। अब ये देखें, अपने हाथों से इसको मैं अच्छे से गूंद लूँगी, और अपनी उंगलियों से घी को आटे में अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि ये घी जो है इस आटे में शामिल हो जाए, और इसकी हमने डो तैयार करनी है। जितने इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे, उतने ही हमारे बिस्किट बनेंगे अच्छे से। इसमें आपने बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल नहीं करना, ये बहुत आसान है, इस पर कोई इतना आपका ख़र्च भी नहीं होगा, ये घर में से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, और आप आसानी से बनाइएगा और अपने बच्चों को, बड़ों को, मेहमानों को बना के पेश करें, और वो सब खाएंगे तो खुश होंगे। ये देखें, हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब मैं इस डो से आपको बिस्किट बनाना सिखाऊंगी। एक ट्रे लूँगी और उसको मैं ग्रीस कर दूंगी, ताकि जब हम बिस्किट को तैयार करें तो हमारे बिस्किट ट्रे के साथ चिपके ना। अब मैं इसको घी के साथ ग्रीस कर दूंगी इस ट्रे को, जिसमें हमने बिस्किट तैयार करने हैं। आप ये देखें, डो बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसको मैं छोटे छोटे बॉल बनाऊंगी, और छोटे छोटे बॉल बना के इसको मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी। ये देखें, एक बॉल मैंने लिया है आटे का, और इसको मैंने गोल करके अपने हाथ की हथेली पे अपने हाथों से प्रेस करके इसको मैंने थोड़ा सा बिस्किट की शक्ल में शेप दी है। आप एक अच्छी सी नाइफ़ लें, या आपके पास कोई अच्छा सा कटर है तो आप इसको डिज़ाइन करें, जिस तरह के मैं इसको डिज़ाइन कर रही हूँ। आपको जिस तरह का भी डिज़ाइन आता है आप करें, लेकिन मैंने इसको इस शेप में तैयार किया है। ये राउंड शेप में है, और इस पे मैंने इसको डिज़ाइन कर दिया है। अब इसी तरह मैं तमाम आटे के बॉल बनाऊंगी और मुख्तलिफ शेप दूंगी, ताकि हमारे बिस्किट मुख्तलिफ शेप में तैयार हों। अब मैं इसको दूसरी दफ़ा इस बॉल को तैयार कर रही हूँ। अब इसको मैंने स्टार की शक्ल में बनाना है, और ये देखें, आटे को मैंने स्टार की शक्ल में बिस्किट तैयार किया है। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये आटा
और बिस्किट की शक्ल में तैयार हो गया है। अब मैं इसको पेड़े में छोटी सी बॉल बनाऊंगी और फिर उसको भी मैं कोई और शेप दूंगी, जिस तरह के मैं आपको दिखा रही हूं। अब इसको अच्छे से अपने हाथ से गोल करके इसकी बॉल तैयार करके, ये मेरे पास हार्ट शेप भी है और राउंड शेप भी है। पहले मैंने आपको स्टार बनाना सिखाया, अब मैं आपको राउंड शेप में तैयार करके दिखाऊंगी। अब इसके बाद मैं आपको हार्ट शेप में भी दिखाऊंगी। अब आपने जब इसको तैयार कर लेना है तो दूध के साथ इसको ब्रश के साथ आप इसको ऊपर से दूध लगा दें, ताकि जब आप बनाएं तो ये बहुत ही अच्छे और रोस्ट हो जाएंगे जब आप इसके ऊपर दूध लगाएंगे। अब मैं ब्रश के साथ इन बिस्किटों के ऊपर दूध लगा रही हूँ, ताकि जब हम बनाएं तो ये बहुत ही अच्छी शक्ल में तैयार हों। अब मैं एक बर्तन लूँगी और मेरे पास कुछ नट्स हैं, वो भी मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। तो वो भी आप भी इसी तरह की काशें निकाल के, बादाम की या पिस्ते की, तो वो भी आप काट के ऊपर लगा सकते हैं, जिस तरह के मैं लगा रही हूँ। ये बहुत मज़े के बिस्किट बन जाएंगे, बिल्कुल बेकरी की तरह, और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि बेकरी से आप नहीं मंगाएंगे, आप घर में बनाएंगे। एक मैंने बर्तन लिया है और उसको मैंने प्री हीट किया है चूल्हे पे। अब इसमें मैं स्टैंड रख दूँगी और फिर ये जो मैंने आटे से बिस्किट तैयार किए हैं स्टैंड के ऊपर रख दूँगी, ताकि ये बिस्किट हमारे इसमें अच्छे से तैयार हो जाए। ये मैंने 20-25 मिनट के बाद हल्की आंच पे इसको तैयार किया। देखें माशाल्लाह हमारे बिस्किट तैयार हो चुके हैं, और आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। ये बेकरी जैसा स्टाइल है और अपनी ही मज़े के शेप में आप बना सकते हो। ये बहुत ही सॉफ्ट और क्रंची हैं, जब तैयार होंगे तो आप खाएंगे तो बच्चे भी खुश होंगे और आपके घर वाले भी। आप ये देखें कितनी आसानी से ये बिस्किट हमारे तैयार हो चुके हैं और कितनी कम लागत में हमने इसको तैयार किया है। आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा और मुझे एक कमेंट ज़रूर आपने करना है, और शुरू से लेके आपने आखिर तक इसको देखना है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपने मेरे से कुछ पूछना हो तो आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे से बात कर सकते हो या मुझसे कुछ पूछ सकते हो। तो आप इसको ज़रूर बनाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, और बेकरी से आप मत मंगवाएं, एक दफ़ा ट्राई करें तो इंशाल्लाह आप बहुत ही, ये देखें कितने क्रंची और अंदर से सॉफ्ट हैं और बहुत मज़े के हैं।